बीए ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस, बीए ऑनर्स इन हिस्ट्री, बीए ऑनर्स इन ज्योग्राफी, बीए ऑनर्स इन सोशियोलॉजी साइकोलॉजी, बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स, बीए ऑनर्स इन हिंदी, बीए ऑनर्स इन इंग्लिश, बीए ऑनर्स इन संस्कृत, बीए ऑनर्स इन फॉरेन लैंग्वेज, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, स्पेनिश या कोई भी लैंग्वेज, या फिर बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स या बीए के कोई भी कोर्स अगर आपको करनी है 2023 में भारत के टॉप यूनिवर्सिटी से, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी या फिर बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से, बड़े बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अगर आपको बीए ऑनर्स में एडमिशन लेना है कोई भी कोर्स में, तो ये वीडियो आज आप पूरा देख लो। आपको गारंटी देता हूं कि आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 2023 में जो सीयूईटी के थ्रू एडमिशन होगी बीए के कोर्स में भारत के टॉप यूनिवर्सिटीज में, उसकी क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, उसकी कैसे तैयारी करनी है, कहां से सब कुछ आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, कौन कौन से सिलेबस होंगे, क्या क्या चीजें हैं, ईच एंड एवरीथिंग आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तो आज आपको यह वीडियो पूरा देखना है। यह वीडियो आपके लिए एक होलसम वीडियो है, जहां पे इस वीडियो के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत के जितने भी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं सबके बारे में आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा। उससे पहले आपको एक बात बता दूं कि अगर आप सीयूईटी 2023 की तैयारी करने वाले हो या फिर कर रहे हो, चाहे बीए के लिए, बीकॉम के लिए, बीएससी के लिए या फिर ये जितने भी कोर्सेज अभी मैं आपको बताने वाला हूं, उन सभी के लिए हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल है। एंड हमसे जुड़कर बहुत बच्चे प्रिपरेशन शुरू भी कर चुके हैं। इससे पहले जो हमने अपना बैच निकाला था अल्फा 2.0, गजब के रिस्पॉन्स आई है उसमें, थैंक यू सो मच। एंड आगे आने वाले टाइम पे और भी बच्चे, अगर आप हमारे कोर्स में इनरोल होना चाहते हो, हमारे कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, स्टडी मटेरियल, गाइडेंस, मेरी पर्सनल कॉन्टैक्ट इंटरेक्शन सब कुछ मिलेगी। ऐसा नहीं कि कोर्स लेने के बाद तुम्हारा भैया गायब, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपसे खुद बात करता हूं, समटाइम आपको कोई भी दिक्कत आती है तो उसे मैं सॉल्व करता हूं। हमारे कोर्स में सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाती है A to Z। अगर आपको हमारी कोर्स ज्वाइन करनी है, अपने आपको इनरोल करना है, तो स्क्रीन पे आपको एक व्हाट्सएप नंबर हमारी दिख रही होगी, मेरी व्हाट्सएप नंबर है पर्सनल, डोंट वरी, हम ही को मैसेज करोगे तुम। उस व्हाट्सएप नंबर पर जाके बस आपको डीएम करना है, अपनी डोमेन्स बतानी है, लैंग्वेजेस बतानी है, जीटी बतानी है, चाहे आप बीए के कोई भी कोर्स कर रहे हो, बीकॉम, बीएससी, कुछ भी, इंग्लिश मीडियम बस आपका होना चाहिए, डेफिनेटली हम आपको कोर्स के सारे डिटेल भेज देंगे। तो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर दे रखी है, उस पर कॉन्टैक्ट करना, व्हाट्सएप करना, ओके। चलो अब वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि तुम्हारा भाई अनटोल्ड मैक, ये नाम याद रखना, तुम्हारे पूरे सीयूईटी के जर्नी में तुम्हारे साथ रहने वाला है, ओके। चलो देखो, सबसे पहले हम तीनों यूनिवर्सिटी को उठाएंगे, क्योंकि ये तीनों यूनिवर्सिटी, डीयू हो गई, जेएनयू हो गई या बीएचयू, डीयू, बीएचयू, जेएनयू, ये तीनों यूनिवर्सिटी अगर आप बीए टारगेट कर रहे हो तो अपने फॉर्म में डेफिनेटली डालना, अपने सीयूईटी में ना इन तीनों यूनिवर्सिटीज को प्रायोरिटी रखना। और सीयूईटी का जो सबसे ज्यादा, मतलब ज्यादातर बच्चे जो टारगेट करते हैं वो इन्हीं तीन यूनिवर्सिटी को करते हैं। इसके अलावा भी बहुत यूनिवर्सिटीज है अच्छे अच्छे, जैसे जामिया मिलिया इस्लामी यूनिवर्सिटी, एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इफ्लू या फिर एयू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बहुत यूनिवर्सिटीज है, सभी अच्छे हैं, लेकिन ये तीनों टॉप थ्री यूनिवर्सिटी आप कह सकते हो। तो इसकी क्या रिक्वायरमेंट है बीए के कोर्स के लिए, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। भैया बीएचयू बीए के लिए बहुत से कोर्स आपको ऑफर करती है, बहुत से, एक दो नहीं, बहुत कोर्स है। और उसकी क्या रिक्वायरमेंट है सीयूईटी में, ध्यान से सुनो। सबसे पहले हम बात करते हैं बीए ऑनर्स सोशल साइंस के बारे में। सोशल साइंस में क्या क्या आ जाती है, सोशल साइंस में आपके जैसे इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी या फिर अदर जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं, ये सोशल साइंस के अंदर आती है। एंड इसके लिए आपके सीयूईटी में होना चाहिए या तो इंग्लिश या फिर हिंदी। इंग्लिश या हिंदी दोनों में से अगर आपका कोई भी लैंग्वेज है तो चलेगा, एक लैंग्वेज उठा लो यहां से और एक जनरल टेस्ट का पेपर दे दो, तुम इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। मतलब सीयूईटी के फॉर्म में आपको इंग्लिश या फिर हिंदी रखना है और एक जनरल टेस्ट का पेपर रखना है बस, और अदर कोई लैंग्वेज नहीं होना चाहिए, तो आप इन कोर्सेस के लिए एलिजिबल होगे, ओके। अब एक बात मैं क्लियर कर दूं, जो भी बच्चे हमारे तक आएंगे, हमसे कोर्स लेंगे, अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज लेना है तो डेफिनेटली हमारे कोर्स में जरूर आना। वहां पे स्पेशली इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को हम बहुत सारी सुविधाएं देते हैं, बहुत तरीके से गाइडेंस देते हैं, लेकिन जो हिंदी लैंग्वेज है वो हमारे कोर्स में अवेलेबल नहीं है। हमारी कोर्स पूरी की पूरी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, तो ये देख करके कॉन्टैक्ट करना। लेकिन अगर आपको जीटी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जीटी, जिसको आप ऑब्वियसली हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, आपको देना तो उसे इंग्लिश में ही पड़ेगा, है ना, जनरल टेस्ट को, तो वो हमारे कोर्स में अवेलेबल है, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या फिर कोई और मीडियम से हो, फर्क नहीं पड़ता है। जीटी हमारे पास स्पेशली जीटी की कोर्स है, चाहे आप हिंदी मीडियम वाले भी हो, तो डेफिनेटली आप जीटी के लिए कांटेक्ट कर सकते हो, स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर गिवन है, ओके। चलिए आगे जो आपको कोर्स देखने को मिलेगी भैया, ये है बीए ऑनर्स इन शास्त्री, ठीक है ना, बीए ऑनर्स इन शास्त्री। एंड ये अगर आपको करना है तो इसके लिए बस आपको एक डोमेन देना है, जो कि है आपकी संस्कृत, जो कि रहेगी आपकी क्या, संस्कृत, समझ गए, संस्कृत। अब मैं आपको थोड़ा सा एलिजिबिलिटी बता दूं, जिन बच्चों को पता नहीं है, बहुत बच्चे मेरे तरह आते हैं, बोलते हैं भैया हमको पता ही नहीं है कि ये जो इंग्लिश है, ये जो हिंदी ले रहे हैं हम, लैंग्वेज ले रहे हैं, डोमेन ले रहे हैं, जीटी का पेपर पैटर्न क्या है। बहुत सिंपल है, मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूं, जैसे कि देखते चलो, ये वीडियो बोला ना होलसम वीडियो, एक पे ही सब कुछ, और कहीं जाने की जरूरत नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कोई भी लैंग्वेज लेना है, लैंग्वेज का
पेपर सीयूईटी में, भैया ध्यान से देखो, सीयूईटी में एक आपकी क्या होती है लैंग्वेज, ठीक है ना, लैंग्वेज की सेक्शन हो गई, लैंग्वेज की सेक्शन एक क्या, एक पूरी लैंग्वेज की सेक्शन होती है, एक होती है डोमेन की सेक्शन, ठीक है ना, और एक होती है जनरल टेस्ट, जीटी जिसे हम कहते हैं। तो जनरल टेस्ट की सेक्शन, लैंग्वेज हो गई, डोमेन हो गई, जनरल टेस्ट हो गई, ठीक है ना। अब लैंग्वेज की क्या है कि लैंग्वेज का कोई भी लैंग्वेज जो तुम दोगे, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, गुजराती, कुछ भी लैंग्वेज तुम्हें देना है, उसमें तुम्हारे टोटल कितने 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 40 क्वेश्चन तुम्हें अटेम्प्ट करने हैं, 50 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 40 क्वेश्चन एनी हाउ तुम्हें अटेम्प्ट करना है। डोमेन्स की अगर मैं बात करूं, कोई भी डोमेन, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, या फिर कुछ भी, कोई भी डोमेन ले लो अदर देन लैंग्वेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, कोई भी, कितनी भी डोमेन जो भी आती है, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, उसमें भी टोटल तुम्हारे 50 क्वेश्चन आएंगे डोमेन में, जिसमें से 40 क्वेश्चन तुम्हें अटेम्प्ट करने हैं। और जब मैं बात कर रहा हूं जनरल टेस्ट की, तो जनरल टेस्ट में टोटल तुम्हारे 75 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 60 क्वेश्चन तुम्हें अटेम्प्ट करना है एनी हाउ। ओके, तो ये हुआ तुम्हारा पेपर पैटर्न, एंड जो तुम्हारा लैंग्वेज है और जो तुम्हारा डोमेन है, इसके लिए टोटल तुम्हें, मतलब टोटल जो तुम्हारा मार्क्स होगा ये दोनों पेपर का, ये 200 मार्क्स का पेपर होगा। मतलब तुम एक डोमेन दोगे तो 200 मार्क्स, तीन डोमेन दोगे तो 600 मार्क्स, एक लैंग्वेज का पेपर दोगे तो 200 मार्क्स का पेपर है, और अकेला एक जीटी अगर तुम दोगे तो वो तुम्हारा 300 मार्क्स का पेपर होगा। इसीलिए जीटी सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करती है। एंड जनरल टेस्ट में हर बच्चों को एडवाइस करता हूं, प्लीज जनरल टेस्ट जरूर देना, जिससे आपका बहुत सारा स्कोप खुल जाएगा। एंड जनरल टेस्ट की स्पेशली हम तैयारी कराते हैं, जो स्पेशली जनरल टेस्ट वाले बच्चों के लिए स्पेसिफाइड है, समझ गए। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और कोर्सेज को देखते हैं, लेकिन उससे पहले हमको लग गई है प्यास, तो हम पहले पानी पीएंगे। चलो आओ यहां पे बात करते हैं, अपन नेक्स्ट जो कोर्स है वो है आपकी बीए ऑनर्स इन एलएलबी। ओके, यहां पे बीए ऑनर्स इन एलएलबी की जब हम बात करते हैं, तो इसके लिए तुम्हें देना पड़ेगा एक इंग्लिश, या फिर यदि हिंदी कोई भी एक पेपर दे तो चलेगा, हमारे पास इंग्लिश मीडियम अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक तुम्हें देना पड़ेगा लीगल स्टडीज की पेपर, लीगल स्टडीज, एंड एक तुम्हें देना पड़ेगा जनरल टेस्ट। ओके, तो टोटल तीन पेपर तुम्हें देना है, एक देना है इंग्लिश या हिंदी कोई भी, ज्यादातर बच्चे इंग्लिश ऑप्ट करते हैं। एंड मैं हर एक बच्चे को यह कहना चाहता हूं, अगर आप इंग्लिश में दे सकते हो तो प्लीज इंग्लिश ऑप्ट करो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ये मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि इंग्लिश अगर आप देते हो ना एज कंपेयर टू हिंदी, तो इंग्लिश से आपका ज्यादा स्कोप खुल जाता है, क्योंकि ज्यादातर यूनिवर्सिटी हिंदी के जगह इंग्लिश टारगेट करती है, मतलब इंग्लिश ज्यादा प्रेफर करती है लेना। ओके, अपने एडमिशन सेक्शन में, ओके, प्रोसेस में। तो एक तुम लीगल स्टडीज का पेपर दे देना, और एक दे देना तुम जनरल टेस्ट का पेपर, तुम्हारा भैया निकल जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, नॉर्मल वही बी ऑनर्स इन आर्ट्स की जब हम बात करते हैं, तो उसमें भी वही चीज है, इंग्लिश, हिंदी या फिर जनरल टेस्ट। ओके, जिसमें तुम्हारी हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, गुजराती, जितने भी अदर सब्जेक्ट्स जो बी ऑनर्स के अंदर आती है, वो सब इसके अंदर आ जाएंगी। ओके, तो ये तुमने देख लिया पूरा पूरी, मेनली मिला जुला के बात यही है कि हिंदी इंग्लिश का एक तुम्हें पेपर देना है और एक जनरल टेस्ट का पेपर देना है बीएचयू के लिए, अगर तुम बीए टारगेट कर रहे हो। बीएचयू के लिए हिंदी या फिर इंग्लिश कोई भी एक पेपर और एक जनरल टेस्ट, तुम बीए के मैक्सिमम कोर्स में एलिजिबल हो जाओगे। और ज्यादातर बच्चे क्या लेते हैं, इंग्लिश। क्यों लेते हैं, क्योंकि सिर्फ इंग्लिश लेने की वजह से उनका बीएचयू ही नहीं, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो सिर्फ इंग्लिश कहती है आपको लेने, वो भी टारगेट हो जाता है। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको आगे दूंगा कि किस तरीके से इंग्लिश आपको ज्यादा फायदा करता है लैंग्वेज में, अदर देन कोई भी लैंग्वेज से। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। आगे जो सबसे खतरनाक यूनिवर्सिटी है, तुम्हारा भाई का फेवरेट, जिससे मैं भी, जिसका मैं भी एक छात्र रह चुका हूं, वो है डीयू, दिल्ली विश्वविद्यालय। तो देखो, डीयू से अगर आपको बीए करना है, तो देखो डीयू ना भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, एंड इसके अंदर बहुत से कॉलेजेस आते हैं, एंड बीए के लिए स्पेशली दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना जाता है, बीए और बीकॉम के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है, भारत में बहुत पॉपुलर है। एंड बीए के कुछ कॉलेजेस, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 5-6 कॉलेजेस ऐसे हैं जो पूरे इंडिया के टॉप कॉलेज है, सिर्फ दिल्ली के ही नहीं, पूरे इंडिया के, मतलब उन कॉलेजेस को कोई पीछे ही नहीं छोड़ सकता, आप समझ सकते हो, जैसे कि सेंट स्टीफेंस हो गई, हिंदू हो गई, या फिर अदर बहुत सारी ऐसी कॉलेज है जो कि बीए के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है, समझ रहे हो। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अगर आपको बीए इंग्लिश ऑनर्स करना है, बीए ऑनर्स इन इंग्लिश, मतलब इंग्लिश ऑनर्स अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना है, तो इसके लिए आपके सीयूईटी में एक इंग्लिश का पेपर लैंग्वेज में कंपलसरी है, देना ही पड़ेगा, और तीन डोमेन। ओके, तीन डोमेन प्लस एक इंग्लिश। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी की ना डोमेन की जब हम बात करते हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में टोटल दो लिस्ट आती है डोमेन के लिए, एक आती है आपकी B1, ओके, और एक आती है आपकी B2। ये एक लिस्ट होती है, इसमें लिस्ट ऑफ डोमेन्स लिखे हुए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी ने शामिल कर रखा है, जैसे कि तुम्हारी हो गई अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी वगैरह, जो भी हो गई मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऐसे सब्जेक्ट्स होती है B1 में, या फिर जैसे फिजिकल एजुकेशन वगैरह जैसे तुम सब्जेक्ट्स देखते हो ना, ये सब आती है तुम्हारी B2 में। ओके, तो इस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक सब्जेक्ट निकाल रखा है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे कि कहां है, यहां पे तीन डोमेन तुम्हें लेना है, एक इंग्लिश प्लस 3 डोमेन डीयू अगर कह रही है, तो इसका मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी का कहने का मतलब है कि दो तुम्हें डोमेन लेने पड़ेंगे B1 से और एक
मतलब टोटल तीन डोमेन लेना है ना, तो दो डोमेन तुम्हें लेना है लिस्ट B1 से, और जो एक डोमेन है लास्ट का तीसरा, वो चाहे तुम B1 से भी ले सकते हो या फिर B2 से भी, मतलब B2 वाले लिस्ट से तुम्हें एक से ज्यादा डोमेन नहीं लेना है, एंड B1 से तुम चाहे तीनों डोमेन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्पेशली एक और कहानी है। DU कहती है, सुन लो बाबू, DU का कहना है कि अगर तुमने क्लास 12th में अगर तुम्हें कोई सब्जेक्ट लेना है और क्लास 12th में जो पेपर तुमने दिया है, जो भी सब्जेक्ट तुम्हारे पास है 12th में, तुम सिर्फ उसी का पेपर CUET में दे सकते हो। मान लो तुम एक साइंस के छात्र हो और तुम्हें BA में एडमिशन लेना है, तो तुम यहां पे हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस नहीं दोगे। तुम अगर साइंस के तुम्हारे 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी है, तुम वही तीन पेपर दोगे, उसके अलावा तुम्हें और कोई पेपर नहीं देना है, एंड उसी के अकॉर्डिंग तुम्हारा BA में एडमिशन होगा या फिर किसी भी कोर्स में। तो याद रखना, जो भी तीन डोमेन तुम लो या फिर दो डोमेन लो एक डोमेन लो अकॉर्डिंग टू कोर्स, वही डोमेन होना चाहिए जो तुमने क्लास 12th में पढ़ा है। और अगर तुम क्लास 12th के अकॉर्डिंग वो डोमेन नहीं लोगे तो लिख के ले लो, अगर तुम एग्जाम दो भी दोगे और मार्क्स भी तुम्हें अच्छा आएगा तो भी तुम्हारा DU में एडमिशन नहीं हो पाएगा। पिछली बार ये गलती बहुतों ने करा है, आप ना करो, इसलिए मैं बता रहा हूं। ओके, एंड हमारे कोर्स में सबसे ज्यादा जो मेजर ऑडियंस आते हैं, बच्चे आते हैं जो हमसे पढ़ते हैं, वो DU को टारगेट करते हैं। तो DU वाले बच्चे हमारे पास बहुत है, BHU वाले भी है, JNU वाले भी है। तो अगर आप DU को टारगेट कर रहे हो तो हमारे पास जरूर आना, हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल है, डेमो वीडियोस भी हम आपको भेज देंगे, उसके अकॉर्डिंग देख करके आप तैयारी शुरू कर सकते हो। ओके, और ये मत समझना कि बस कोर्स ले लिए और रख दिए और तुम्हारा निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है, पढ़ना पड़ेगा। तुम अगर हमें अपना समय देने के लिए रेडी हो तो हम जी जान लगा देंगे तुम्हारे पीछे, ये वादा करते हैं। लेकिन तुम सिर्फ घर पे बैठे रहोगे, कुछ नहीं करोगे, तो फिर मत लेना कोर्स वोर्स, कोई फायदा नहीं है, तुम्हारा वैसे भी नहीं निकलेगा। ओके, मेहनत करोगे तो होगा, नहीं मेहनत करोगे तो फिर कहां से। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो, नेक्स्ट जो है तुम्हारा, अगर तुम्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिंदी ऑनर्स करना है तो हिंदी के लिए भी अगेन तुम्हें इंग्लिश के जगह एक हिंदी का पेपर देना पड़ेगा CUET में। इंग्लिश नहीं, ये हिंदी, इंग्लिश ऑनर्स के लिए इंग्लिश का पेपर एक CUET में, और हिंदी के लिए हिंदी का पेपर। ओके, और तीन डोमेन, एंड अगेन तीन डोमेन का वही मसला है कि आपका दो डोमेन जो होना चाहिए वो B1 से एनी हाउ होना ही चाहिए, लिस्ट B1 से, एंड जो एक डोमेन है वो B1 या B2 से किसी से भी हो सकती है। अब ये लिस्ट आप खुद जाके देख लेना, दिल्ली यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। वैसे कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जो भी तुम सब्जेक्ट अपने पढ़ रहे हो क्लास 12 में वो इसमें आ ही जाती है मेनली। ओके, चलो ठीक है, बट क्रॉस चेक कर लेना एक बार। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं BA ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स। अगर तुम्हें इको ऑनर्स करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी से तो तुम्हारा एक लैंग्वेज होना चाहिए, एक लैंग्वेज, कोई सी भी लैंग्वेज चलेगी, कोई सी भी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी कहती है कोई भी, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, उर्दू, जो जो भी लेना है तुम्हें, ओके, सब कुछ चलेगा एक लैंग्वेज में। मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि इंग्लिश लेना। क्यों लेना? क्योंकि मान लो तुमने अगर यहां पे इंग्लिश ले लिया तो कुछ कोर्सेज ऐसे भी होंगे, कुछ फ्यूचर जो अदर यूनिवर्सिटीज होंगे जो मांग रहे होंगे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश, आगे मैं बताता हूं कौन यूनिवर्सिटी है, तो वहां पे तुम एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन अगर तुम यहां पे उर्दू ले लोगे, मराठी ले लोगे, हिंदी ले लोगे, तो शायद तुम DU के लिए एलिजिबल तो हो जाओ लेकिन उस यूनिवर्सिटी के लिए ना हो। इसीलिए मैं सेफ साइड के लिए बता रहा हूं, बाकी लैंग्वेज तो कोई भी ले सकते हो। ओके, तो एक लैंग्वेज ले लो और एक मैथ्स का पेपर तुम्हें देना जरूरी है। और मैथ्स का पेपर सिर्फ देना नहीं है, याद करो, वही पेपर देना है जो तुम्हारे क्लास 12th में। क्लास 12th में अगर तुम्हारे पास मैथमेटिक्स है तो ही तुम इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर पाओगे, समझ गए? और दो डोमेन, यहां पे एक डोमेन तो मैथ्स तुम्हारा ले गया और बाकी का दो डोमेन तुम्हें सिलेक्ट कर लेना है। ओके, चलो आगे हम बढ़ते हैं। यहां पे अगर आपको इसके अलावा, इन तीनों के अलावा कोई भी अदर सब्जेक्ट करना है, जैसे कि हिस्ट्री ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, सोशियोलॉजी ऑनर्स, साइकोलॉजी ऑनर्स, फ्रेंच ऑनर्स, जर्मन ऑनर्स या फिर इटालियन ऑनर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी ये सब भी कराती है, स्पेनिश ऑनर्स, फॉरेन लैंग्वेज, या फिर कोई भी सब्जेक्ट करना है, तो तुम्हारे CUET में एक लैंग्वेज का पेपर होना चाहिए, कोई सी भी लैंग्वेज चलेगी, और तीन डोमेन, एक लैंग्वेज प्लस तीन डोमेन तुम्हें देना है, उसके बाद तुम DU के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ओके, समझ गए? तीन डोमेन में अगेन वही रूल रहेगा, B1 एंड B2 वाला, और एक लैंग्वेज में कोई सी भी। इंग्लिश में थोड़ा आपको बढ़ चढ़ के कह रहा हूं, अगर आप ले सकते हो, नहीं ले सकते हो तो हिंदी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर अदर लैंग्वेज जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। ओके, चलिए आखिरी जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसके बाद जो मुझे ऐसा फील होता है वो है आपकी JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। एंड ट्रस्ट मी, ये यूनिवर्सिटी जो है JNU BA के लिए, स्पेशली BA ऑनर्स इन फॉरेन लैंग्वेज के लिए, भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। एंड यहां पे पढ़ाई में सबसे कम पैसा लगता है कंपैरेटिवली JNU के, BHU के या अदर यूनिवर्सिटीज के। ऑल्दो DU BHU खुद में एक सस्ता यूनिवर्सिटी है, इसमें ज्यादा पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन JNU में इससे भी कम पैसा लगता है, मात्र 100 रुपए 200 रुपए में पढ़ाई हो जाती है तुम्हारी, रहना खाना पीना सब बहुत सस्ता है, बहुत ज्यादा। एंड जो भी लोग बोलते हैं ना भैया JNU में विवाद हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अरे भैया हर फेमस चीजें ना न्यूज में, लैम लाइट में रहती ही है, लेकिन जिस बच्चों को यहां पर एडमिशन लेना है ना वो जरूर लेता है। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज द मतलब वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर BA ऑनर्स इन फॉरेन लैंग्वेज, मतलब सिर्फ फॉरेन लैंग्वेज के लिए इन्होंने एक यूनिवर्सिटी बना रखी है अपने आप। ओके,
एंड बहुत बच्चे मेरे पास आते हैं, कहते हैं भैया हमें जेएनयू में एडमिशन लेना है बीए इंग्लिश ऑनर्स पे, हिस्ट्री ऑनर्स पे, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पे। तो एक बात बता दूं, जेएनयू ये सारे सब्जेक्ट बैचलर्स लेवल में प्रोवाइड नहीं करता है। तो अगर आपको बीए ऑनर्स इन फॉरेन लैंग्वेज करना है तभी आप जेएनयू में जाओ, नहीं तो मत जाओ। क्योंकि जेएनयू में 10 लैंग्वेज है टोटल, 10 फॉरेन लैंग्वेज है, जैसे कि तुम्हारी फ्रेंच हो गई, जर्मन हो गई, रशियन हो गई, या फिर स्पेनिश हो गई, या फिर तुम्हारी जापानीज हो गई, चाइनीज हो गई, कोरियन हो गई, पर्शियन हो गई, पश्तून हो गई, अरेबिक हो गई। ये 10 फॉरेन लैंग्वेज में जेएनयू अपनी ग्रेजुएट कराता है। तो समझ लो सिर्फ फॉरेन लैंग्वेज के लिए इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, मतलब फॉरेन लैंग्वेज एक कितना बड़ा करियर ऑप्शन होने वाला है आपके लिए फ्यूचर में। तो अगर आपको फॉरेन लैंग्वेज करना है तो जेएनयू सबसे बेस्ट है। एंड जेएनयू की एक सिंपल सी रिक्वायरमेंट है, चाहे आपको कोई भी फॉरेन लैंग्वेज करना हो, सीयूईटी में आपको एक इंग्लिश का पेपर और एक जनरल टेस्ट का पेपर देना पड़ेगा। गौर करो, जो मैं तब से आपको बार बार कह रहा हूं कि आप बाबू इंग्लिश ले लो अपने लैंग्वेज में, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो, इसका मतलब मैं यही बोलना चाह रहा था, अगर आप यहां पे इंग्लिश लेते हो, जैसे कि डीयू, जैसे कि आपकी बीएचयू कह रही है हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई भी ले लो, या फिर डीयू कह रही है लैंग्वेज में कोई भी लैंग्वेज ले लो, तो यहां पे मैं आपको इंग्लिश 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 इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप इंग्लिश लोगे तो आप जेएनयू के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो जेएनयू मांगती है इंग्लिश प्लस जीटी, समझ गए, इसीलिए बबुआ तुमको हम तब से कह रहे थे। लेकिन एक और बात, ऐसा नहीं है कि जो इंसान इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है, जो हिंदी मीडियम वाला है, उसके लिए क्या होगा, कोई बात नहीं, आपके लिए अदर यूनिवर्सिटी से आप जेएनयू में नहीं जा पाओगे, अदर यूनिवर्सिटी तो आपके लिए है। लेकिन जो बच्चा कंफर्टेबल है वो जरूर इंग्लिश देना ही अपने लैंग्वेज में, या तो इंग्लिश हिंदी दोनों दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंग्लिश देने की कोशिश करना। ओके चलो, तो एक लैंग्वेज तुम्हारी इंग्लिश होनी चाहिए और एक जनरल टेस्ट की पेपर होनी चाहिए सीयूईटी में, उसके बाद तुम सबके लिए एलिजिबल हो जाओगे जितने भी फॉरेन लैंग्वेज आती है। और मैं तुम्हें जो कॉम्बिनेशन अभी बता रहा हूं ये कॉम्बिनेशन रट लो, ठीक है ना, या तो सीयूईटी के पेपर में इंग्लिश, देखो मैं एक सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन बता रहा हूं, ये वाला कॉम्बिनेशन रख लो अपने सीयूईटी में अगर तुम कंफर्टेबल हो तो। ओके इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश प्लस 3 डोमेन प्लस जीटी, ये कॉम्बिनेशन अगर तुमने रख लिया इंग्लिश प्लस 3 डोमेन प्लस जीटी, सिर्फ बीएचयू जेएनयू एंड डीयू में ही नहीं, तुम बहुत सी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर जाओगे। एंड 3 डोमेन में से अगर एक डोमेन तुमने मैथ्स ले लिया, अगर तुम्हारे 12th में है तो एक मैथ्स का डोमेन, बाकी 2 अदर डोमेन जो भी 12th में तुम्हारे है, तो तुम डेफिनेटली बहुत सारी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर जाओगे, समझ रहे हो। तो ये है बेस्ट कॉम्बिनेशन, लेकिन इसके अलावा आपकी कोई और भी हो सकती है, मैं आपको एक बेस्ट सिनेरियो बता रहा हूं। ओके चलो ठीक है, तो ये रही आपकी डीयू जेएनयू बीएचयू सबकी पूरी की पूरी स्ट्रक्चर, किसमें कैसे एडमिशन होगी। बाकी इसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, अलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, या फिर इफ्लू है, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, जेएनयू के बाद वो भी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, इफ्लू, नाम सुन लो, EFLU। बहुत से बच्चे पूछते हैं भैया जेएनयू के अलावा कौन है, तो इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी। एंड वहां से अगर आपको फॉरेन लैंग्वेज करना है, वहां भी जेएनयू की तरह बहुत सारे 9-10 फॉरेन लैंग्वेज है अवेलेबल, और वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो वहां से अगर आपको फॉरेन लैंग्वेज करना है तो उसके लिए भी सेम है, इंग्लिश प्लस जीटी का पेपर आपको देना पड़ेगा अपने सीयूईटी में एनीहाउ। ओके तो ये रही पूरी की पूरी तुम्हारी स्ट्रक्चर कैसे एडमिशन होगी। इसके अलावा जामिया मिलिया इस्लामिया है, और तुम्हारी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, अलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, असम सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बहुत सारे है, बहुत सारे, तो हर एक यूनिवर्सिटी को बताना मुश्किल है। अगर आपको खुद से एक एक करके पता करना है तो बहुत इजी है, सीयूईटी के वेबसाइट पे जाओ, cuet.samarth.ac.in, वहां पर आपको यूनिवर्सिटी नाम की ऑप्शन मिलेगी ऊपर में, उस ऑप्शन को क्लिक करो यूनिवर्सिटी पे, एंड आपके सामने सारी यूनिवर्सिटी खुल जाएंगी जो सीयूईटी के अंदर आती है, एंड सब पे क्लिक कर करके तुम चेक कर सकते हो किसकी क्या रिक्वायरमेंट है डोमेन लैंग्वेज जीटी की। एंड ये सब जब तुम पता कर लो तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर बताना कि भैया हमें इस डोमेन लैंग्वेज जीटी के लिए कोर्स चाहिए, तो हम डेफिनेटली तुम्हें कोर्स की सारी डिटेल प्रोवाइड कर देंगे, एंड तुम ज्वाइन करके प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो जैसे कि सारे बच्चे कर चुके हैं। तो नंबर स्क्रीन के ऊपर गिवन है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके शुक्रिया, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर हम नए होते चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगले वीडियो में, लव यू, टाटा, बाय बाय।